हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के सेशन के लिए, एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। सो मार्केट अभी बहुत क्रूशियल लेवल पे है, और करंट लेवल से मुझे लगता है एक बहुत बड़ा डायरेक्शनल मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। और जिस तरीके का सेटअप है, मुझे लगता है हायर चांसेस है ये नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है। हम लोग एनालिसिस करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ। ये एक बिग रेड कैंडल था और एग्जैक्टली इसका 50% रिट्रेसमेंट हुआ है। आप देख सकते हो बड़ा कैंडल, 50% एग्जैक्टली रिट्रेसमेंट। अब कल अगर या तो फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है, तो भी आपको शॉर्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। फ्लैट खुलता है तो भी आपको शॉर्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। 11,600 आपका स्टॉप लॉस होगा और नीचे में 11,200 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। सो शॉर्ट की तरफ आपको ज्यादा ध्यान देना है निफ्टी में, और बैंक निफ्टी उससे ज्यादा वीक लग रहा है क्योंकि बैंक निफ्टी ने ऑलरेडी ऑलमोस्ट ब्रेकडाउन दे दिया है। आप देख सकते हो ये एक बड़ा रेड कैंडल था, यहाँ पर हॉल्ट कैंडल इसने बनाया। आप देख सकते हो नीचे की तरफ ही क्लोजिंग दिया है। अब मुझे लगता है कल हो सकता है गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिले, क्योंकि जिस तरीके का क्लोजिंग हुआ है इसमें गैप डाउन होने के चांसेस ज्यादा है। कल अगर गैप डाउन होता है तो भी आपको शॉर्ट की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। बैंक निफ्टी में टारगेट मुझे लगता है 23,000 पहला टारगेट होगा इमीडिएट बेसिस पे, और उसके बाद 22,500। सो ये दो टारगेट्स पॉसिबल है बैंक निफ्टी में, 23,000 एंड 22,500। आपको शॉर्ट की तरफ ही ज्यादा ध्यान देना है। 23,800 के अराउंड आप स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हो, और शॉर्ट की तरफ आपको ज्यादा ध्यान देना है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों में। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स। पीवीआर मैंने आपको बाय दिया था 1407 के ऊपर, मैंने बाय दिया था। यहाँ पर बाइंग ट्रिगर हुआ, उसके बाद प्राइसेस गया 1425 तक। पीवीआर में आपको इंट्राडे में पैसा आया होगा। भारत फोर्ज जो मैंने बाय दिया था वो हम लोगों ने अवॉइड किया। मैंने टेलीग्राम चैनल में भी मेंशन किया था क्यों हम लोगों ने अवॉइड किया, क्योंकि एज पर आवर रूल ये गैप अप ओपनिंग हुआ था। मैंने कई बार वीडियो में बोला है कि अगर प्राइजेस टारगेट प्राइस के अराउंड ही ओपन होता है, गैप अप ओपनिंग होता है, तो आपको उस स्टॉक को क्या करना है, अवॉइड करना है। तो भारत फोर्ज हम लोगों ने ट्रेडिंग के लिए अवॉइड किया था। आरबीएल बैंक भी हम लोगों ने अवॉइड किया था। क्यों अवॉइड किया था, क्योंकि मैंने 200 के ऊपर बाय बोला था, और आप देख सकते हो 915 का जो कैंडल है उसमें उसने हाई बनाया था 202, उसके बाद नीचे ही है। और एज पर आवर रूल हम लोग फर्स्ट कैंडल अवॉइड करते हैं, 915 का जो कैंडल होता है 5 मिनट का, वो हम लोग अवॉइड करते हैं। सो एज पर दिस रूल आरबीएल बैंक भी अवॉइड था, आरबीएल बैंक भी हम लोगों ने ट्रेड नहीं लिया। इंडिया ब्लाउजिंग फाइनेंस मैंने आपको सेल दिया था 202 के नीचे, इसमें आपको इंट्राडे में थोड़ा बहुत पैसा आया होगा क्योंकि इसने 198 का लो बनाया है। सो मैंने चार ट्रेड दिए थे, पीवीआर में पैसा आया होगा, इंडिया ब्लाउजिंग फाइनेंस में पैसा आया होगा, भारत फोर्ज एंड आरबीएल बैंक हम लोगों ने अवॉइड किया। अवॉइड के रीजंस भी मैंने आपको बता दिए। अगर आप नए ट्रेडर हो, नए सब्सक्राइबर हो, तो नेक्स्ट टाइम ये रूल जरूर फॉलो करना और आप ये रूल बुक में लिख लेना। डिस्कस करते हैं कल के सेशन में आपको कौन से स्टॉक्स पे ज्यादा ध्यान देना है। सो सबसे पहला स्टॉक होगा हिंडालको। हिंडालको का स्ट्रक्चर मुझे बहुत नेगेटिव लग रहा है। आप देख सकते हो यहाँ से एक फॉल आया था, एक रिट्रेसमेंट हुआ, और वापस अभी इसने एक रेड कैंडल बनाया, ब्रेकडाउन कैंडल है। और मुझे लगता है अगर ये 192 के नीचे जाता है तो एक 4-5 रुपए का फॉल में देखने को मिल सकता है। सो हिंडालको काफी अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट रहेगा। कौन से लेवल पे शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। नेक्स्ट स्टॉक होगा डीएलएफ। डीएलएफ का स्ट्रक्चर मुझे बहुत एक्सट्रीमली नेगेटिव लग रहा है। अगर आप देखो ये इवनिंग स्टार पैटर्न है, बहुत बड़ा रेड कैंडल बनाया इसने, ये हॉल्ट कैंडल है, ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी जैसा सेटअप है इसमें, और इसके नीचे एक बड़ा फॉल हमें देखने को मिल सकता है 157 के नीचे। सो 157 के नीचे जाता है तो पॉसिबल है 150 तक के लेवल्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। सो डीएलएफ काफी अच्छा शॉर्ट कैंडिडेट रहेगा। कौन से लेवल पे शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। एंड लास्ट स्टॉक होगा टाइटन। टाइटन का स्ट्रक्चर मुझे बहुत पॉजिटिव लग रहा है, क्योंकि अगर आप देख सकते हो इसने एक क्लासिकल पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है आज, और मुझे लगता है यहाँ से अगर फॉलो थ्रू बाइंग देखने को मिलता है तो ये 1250-1240 तक के लेवल्स रिटेस्ट कर सकता है। सो यहाँ से 50-60 रुपए का आपको हमें देखने को मिल सकता है टाइटन में। कौन से लेवल पे बाय करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। टाइटन का स्ट्रक्चर काफी अच्छा स्ट्रांग लग रहा है बाइंग के लिए, तो इस पर आपको ध्यान देना है। आज के लिए वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।